वो सामने अब दिखने लगी है बर्फ, जिसके लिए हम आए थे यहाँ। जाने वाले हैं आज नंदकेसरी, जो यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और कल रात हमने होटल पे बिताई है, सामने हमारे ये होटल है। कल रात हम यहीं पर रुके हुए थे और बहुत देर से पहुँचे, कल रात बहुत देर में निकले, दोस्तों लोगों का अचानक प्रोग्राम बन गया। तो चलिए देखते हैं नंदकेसरी कैसी जगह है, लेट्स गो। और ये है वो जगह जहाँ हम रुके थे कल रात। गोल्डम में, गोल्डम में, और आपका सामने का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, देखो कैसा लग रहा है। साथ वाले नाश्ता बनाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए गए हैं पीछे मार्केट में, और हम दोनों यहाँ आए हैं। अभी अभी भाई ने बोला है कि आज ये हमें बर्फ़ दिखाएंगे, बर्फ़ देखेंगे। आई होप सो कि बर्फ़ मिल जाए हमको, आज को बर्फ़ मिल जाए, देखते हैं क्या होता है। गाड़ियाँ चल रही है पुल पे, और ये पुल बहुत ज़ोरों से हिल रहा है यार, डर लग रही है पुल में, बहुत ज़ोरों से हिल रहा है पुल। पुल बहुत ऊँचा भी है यार, बहुत ऊँचा है और ठंडा भी है। मार्केट, यहाँ की मार्केट है, मतलब आपको सारा सामान मिल जाएगा, सभी चीज़ अवेलेबल है यहाँ, कुछ जुगाड़ बनाया है। तो यहाँ बन रहा है हमारा नाश्ता, वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट, यह बन रहा रेस्टोरेंट। तो यह है थाली की मार्केट, और हम आ चुके हैं मार्केट के बीच।
राजेश सर कुछ अपने मोबाइल के एक्सेसरी दे रहे हैं। नज़ारे कुछ है नहीं खास यहाँ पर, को तो हम सोच रहे थे कि आगे मुंदौली की तरफ जाएंगे, लेकिन दीवार से आगे को जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, तो लैंडस्लाइड हुआ है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ की वजह से कीचड़ हो रहा है रास्ते में, तो हमारी गाड़ी थोड़ा टफ है रूट, तो इसलिए हमने सोचा है कि फैसला किया है कि अब हम यहाँ से वापस जाएंगे थराली, फिर थराली से देखेंगे कि आगे को कहाँ को जाएंगे, वापसी रानी खेत की तरफ जाएंगे या फिर कोई और डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे, देखते हैं थराली पहुंच के कैसा होता है, मिलते हैं आपको थराली पे। तो अभी हम हैं देवाल की मार्केट में, नंदकेसरी को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं,